छोटा सा मिनी मिनी अरविंद ट्री। मैं तुझे अपना एक सीक्रेट जगह दिखाऊंगा, तो मैं यहीं पे बैठता हूँ, बरगद पेड़ के नीचे बैठता हूँ। सीधा जाने से सातकोसिया, राइट जाने से देवझर। रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने स्नेक देखा। आगे और रास्ता कहीं पे दिख नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से जाना है। फिर ट्रैक कर रहे हो तो ये आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, गिरते गिरते बचा। रिस्की है लेकिन शॉर्टकट है। एक पग मार्क है यहाँ से, कोई एक जंगली जानवर इधर से गया है ऊपर। चलो इधर से निकलो भाई, निकलते हैं निकलते हैं। चलो टावर खोल। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल जय जगन्नाथ। सो आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? डाबरखोल वाटरफॉल, जो कि भुवनेश्वर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। एंड हम जा रहे हैं किसमें? थार में लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग प्लान किए थे कि थोड़ा ऑफ रोडिंग करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग जो गए थे यहाँ पे, जो रेत में हम लोग किए थे, वो वाला ब्लॉग मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोग वो वाला ब्लॉग नहीं देखे तो डू वॉच दैट। अभी आई बटन में यहाँ पे लिंक शो कर रहा होगा, जस्ट क्लिक इट एंड वॉच इट। जबरदस्त ब्लॉग है। प्लान ये है कि आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे, मुझे तो नहाने का बड़ा मन है। आई होप कि वाटरफॉल में पानी हो। समर का टाइम है ना, पता नहीं। हाँ नॉर्मली समर के टाइम में इतना पानी नहीं रहता है, लेकिन डाबरखोल वाटरफॉल काफी बड़ा वाटरफॉल है, मतलब दो लेयर में होता है वो। आई होप कि वहाँ पे अच्छा खासा पानी होगा। आप गए थे ना पहले? हाँ मैं जब भी गया था बारिश का टाइम था, अभी समर स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि पानी होगा। रोड्स एकदम बढ़िया है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी मिलेगा, इसलिए हम कार में जा रहे हैं। थोड़ा ऑफ रोडिंग का मजा भी करेंगे, कुछ खाना वाना भी बनाएंगे, छोटा सा मिनी मिनी एडवेंचर मिनी एडवेंचर ट्रिप। सो स्मिथ चले लेट्स गो। टायर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे। ये थार में एक ए है कि आपको पीछे जाने के लिए, पीछे बैठने के लिए आपको सीट को टिल्ट करना पड़ता है। सो लास्ट टाइम आप लोग देखे हो कि हम लोग ऑफ रोड गए थे, ओपन करके गए थे, लेकिन 100 किलोमीटर जाना है एंड गर्मी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको ओपन नहीं कर रहे। ह्यूमिडिटी ज्यादा है। हाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग एसी ऑन करके जाएंगे। जैसे ही वाटरफॉल के आसपास हो जाए तो हम निकाल देंगे। एंड ये निकालना भी एक मतलब काइंड ऑफ झमेला वाला है, इसको निकालो फिर वापस लगाओ। मजा तो हमको थार का ही लेना है, तो ये लगे नहीं लगे कुछ ज्यादा मायने नहीं रहता है। नहीं एक्चुअली जीप का जो मजा है ना, वो ज्यादा ओपन करके जाने में ज्यादा मजा, लेकिन ये गर्मी के चक्कर में भाई हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उसको बंद करके जा रहे हैं। It's 8:30 now. So, चलते हैं। तो हम लोग हाईवे पकड़ रहे हैं, हाईवे से जाएंगे त्रिशूलिया, देन त्रिशूलिया से जाएंगे बांकी लाइन में, जातो मुंडे ब्रिज एक आता है वहाँ से, फिर राइट लेंगे, फिर नरसिंहपुर वाला जो रोड है उस तरफ से जाएंगे। एंड हम लोग को चंपेश्वर से राइट लेना है, एग्जैक्ट जगह का नाम चंपेश्वर ही है, तो वहाँ से राइट लेना है। एंड चंपेश्वर में एक फेमस टेम्पल भी है, एक बहुत बड़ा पॉन्ड भी है जहाँ पे बड़े बड़े टर्टल्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड यू कैन फीड देम ऑल्सो। रास्ते में आपको कहीं भी अच्छा खाने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा, तो बेटर होगा कि आप लोग अपने खाने पीने का मतलब इंतजाम मतलब घर से ही करके आओ, नहीं तो साथ में सामान लेके चलो वहाँ पे, बनाओ खाओ, वो बढ़िया रहता है। ये जो थार है ये पेट्रोल मॉडल है, एंड इसका माइलेज कितना है? 7.5 ऐसे प्रिसाइज करके बोल रहे, 7.5 7.5 ये भी 2 लीटर का इंजन है शायद। 2 लीटर का इंजन है इसका, थोड़ा टॉर्क ज़्यादा कर दिया है बीएचपी के हिसाब से। हाँ कितना बीएचपी? 157। एक्चुअली मैटर करता है कैसे यूज आप कर रहे हो, इसमें ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा, इसको चालू करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग फ्यूल अप कर रहे हैं, बाकी हम लोग कोई ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, रास्ते में कहीं पे अच्छा कुछ मिलेगा कहीं पे खाने के लिए खा लेंगे। लवली वेदर। अभी हम लोग जाने के टाइम अभी सोचेंगे और एक जगह जाएंगे, थोड़ा ग्लास ऊपर करते हैं। मैं तुझे अपना एक सीक्रेट जगह दिखाऊंगा। जब कभी मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं मिलता है ऐसे राइड करने के लिए, या मुझे बहुत राइड करने का मन करता है, तो मैं एक जगह है वहाँ पे आता हूँ राइड करके, वो स्पॉट तुझे मैं दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर जगह है, एक ब्लॉग भी है वहाँ पे, लेकिन बहुत पुराना ब्लॉग है,
मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह दिखाता हूँ। एक अच्छी बात है थार का कि थार में अगर कैबिन व्यू जो है बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आप देखे वो कार में यहाँ तक रहता है, तो ये पूरा एकदम वाइड है। रोड प्रेजेंस जो है गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है, आप काफ़ी ऊपर बैठते हो एंड ये गाड़ी चलाने के टाइम एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। पूरा टर्न मारना पड़ेगा, ये है वो स्पॉट। अभी एक्चुअली ये रोड बन गया है, जस्ट साइड में एक मंदिर भी है, तो मैं यहीं पर बैठता हूँ, बरगद पेड़ के नीचे बैठता हूँ। जो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, मूवी वूवी चल रहा है क्या? ये रहा मंदिर एंड यहाँ पे पिकनिक करने के लिए एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बहुत मेंटेन करके जगह को रखे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जब बांकी जाने के टाइम आता है, जगह का नाम है देवी द्वार, व्यू बहुत बढ़िया है, ये पूरा एकदम आपका रिवर का व्यू मिलेगा, स्पेस भी है मतलब गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, पानी भी ब्लू कलर का पानी है। त्रिशूला से बांकी की तरफ जो रोड जाता है ये बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाता हूँ। ट्रैफिक कम है एंड दोनों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, कभी कभी ड्राइव पे भी आ जाता हूँ, कभी कभी राइड करके भी यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे बांकी में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत फेमस मंदिर है, आई होप कि यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स उड़ीसा से उनको पता होगा, चर्ची का मंदिर एक है माँ चर्ची का, तो वो बहुत फेमस है और बांकी में ही है। हम लोग बांकी से पहले 10 किलोमीटर पहले आता है जातो मुंडिया, वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से राइट टर्न ले लेंगे हम लोग अंसुपा की तरफ, हाटगढ़ में जो अंसुपा जो लेक है उधर से हम लोग निकल जाएंगे नरसिंह, यहाँ से अराउंड आई गेस 40-50-60 किलोमीटर होगा। ये है जातो मुंडिया, यहाँ से जाएंगे हम लोग राइड, तो हम पहुंच गए अभी चंपेश्वर। ये जो रास्ता आपको लेना है आठगढ़ से नरसिंहपुर वाला जो रोड है, जो स्टेट हाईवे है, उसी को ही लेना है और कोई भी रोड में नहीं जाना है एंड नरसिंहपुर से 10-15 किलोमीटर पहले आएगा एक जगह का नाम है चंपेश्वर, फिर राइट लेना है एंड अभी हम चंपेश्वर मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। वाटरफॉल के लिए यहाँ आगे से राइट जाना है, यहाँ पे लिखा भी है देवझर, या सीधा जाने से सातकोसिया, राइट जाने से देवझर। मुझे नहाने का बड़ा मन कर रहा है वाटरफॉल में, बहुत दिन से मैं कोई वाटरफॉल पे नहीं नहाया हूँ, आई होप कि पानी अच्छा खासा हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग कभी इस तरफ आ रहे हो देवझर या तो डावरफॉल वाटरफॉल आ रहे हो, रेनी सीजन में आओ, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3-4 महीना बड़ा पीक महीना रहता है, इसी महीने में आओ। जस्ट यहाँ से फिर राइट लेना है, लोग क्या करते हैं ना मिस्टेकली वहाँ चले जाते हैं, यहाँ से राइट लेना है। जैसे ही ये रोड स्टार्ट हो जाता है आपका व्यू आपको अलग मिलेगा, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू। ओके चलो डावरखोल, और मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर यहाँ से डावरखोल वाटरफॉल एंड देवझर भी मैक्स टू मैक्स 6-7 किलोमीटर होगा। ये ऑफ रोड था, ये नया बना है, ये पूरा एकदम नया बना है, थैंक्स टू ओडिशा गवर्नमेंट ये रोड बन गया है, ये पहले ऐसा नहीं था, रिसेंटली बना है, पहले पूरा एकदम मिट्टी वाला था, नॉर्मल कार जाना यहाँ पे इतना इजी नहीं था, लेकिन बढ़िया रोड बना दिया। और ऐसे ही रास्ता जाएगा एक पॉइंट तक, जितना मुझे याद है अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर तो होगा ही, बढ़िया लगेगा वो जंगल के अंदर जो जा रहे हो, बड़ा मजा उसको मजा तो गाड़ी यहीं पे रखेंगे, आगे और अलाउ नहीं है, गाड़ी यहीं पे रखते हैं, ओके निकलते हैं। सो ये जो रोड है एकदम बन गया है यहाँ तक एंड डावरखोल वाटरफॉल तक जाने के लिए ऐसे मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ से लोकल्स को पूछ के जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे डावरखोल वाटरफॉल, डावरखोल ये एक्चुअली ऐसा है ये ऐसा है लेकिन ऐसे हो गया वाटरफॉल, बहुत धूप है भाई जंगल के अंदर, चलो अराउंड 1 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा।
कैसा लग रहा है? अभी बहुत दूर जाना है, हम लोग गाड़ी लास्ट टाइम यहीं पे ला के रखे थे, पूरा एग्जैक्ट इसी जगह पे, और वो वाला जो पानी है उसको क्रॉस किए थे, लेकिन यहाँ से रोड बन गया तो इधर से चलेंगे। जंगल वाला फील आ रहा है। जंगल है तो जंगल वाला फील आएगा ही। भाई कैसा लग रहा है? ये रोड एक्चुअली बनाया गया है। बोलते हैं ना जंगल में खुद को रोड बनाना पड़ता। मैं आपको बता दूं, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। आपको लगभग 1 किलोमीटर पीछे अपना गाड़ी पार्क करना है। आई गेस इस पूरे जंगल के अंदर हम तीन ही हैं, और जिनको एडवेंचर पसंद है, जंगल पसंद है, जंगल पे आना पड़े। रुक जाओ भाई। मैंने स्नेक देखा, वो देख रहे दिख नहीं रहा तेरे को? तो उसका पूंछ दिख रहा है बस। साला मेरा फट गया भी। मेरा भी फट गया। ये पता है ये क्या है? सांप का ही है ना। क्या बोला, वापस बोला? सांप ही निकलते हैं। तो यहाँ पे क्यों खड़े? निकलो यहाँ से। चलिए जल्दी। नहीं देख, हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्चुअली थोड़ा मतलब आगे और रास्ता कहीं पे दिख नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से जाना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे, एंड जहाँ पे वो पानी है, पानी के साइड में वो रास्ता है, मुझे जितना पता है लास्ट टाइम आया था, तो उधर से रास्ता देखेंगे। अभी नीचे जाना थोड़ा बहुत बड़ा टफ काम है, क्योंकि आप देख सकते हो, देख कि यहाँ तक चले जाने से हो जाएगा। ठीक है, देख वहाँ तक चले जाने से हो जाएगा। मैं तेरे को बताऊँ किधर से जाना है। मेरे तरफ आओ, एक एक पाँव डाल के, एक एक स्टेप डाल के जाएंगे। ठीक है, तो जंगल में जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, जंगल में कहीं पे भी ट्रेक कर रहे हो, तो ये आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पेड़ है। वो एक पतला सा एक आई गेस बांस का पेड़ का है, गिरा था एंड मेरा हाथ वहाँ पे लगा एंड यहाँ पे कट हो गया। तो फाइनली नीचे आ गए हम लोग, एंड नाउ जंप अप मत मार बे। ये रास्ता है। ठीक है, ओ देख, अगर ऊपर पानी होता तो शायद यहाँ पे भी पानी दिखता। पानी का साउंड तो यहीं से आ रहा है। ओह, तो पानी का आवाज़ तो आ रहा है लेकिन उतना तेज नहीं आ रहा है। पानी है बे? हाँ, ऊपर चले गया। बड़ा सा कौन सा? ऊपर वाला मैं लास्ट टाइम नहीं आ पाया था। हाँ स्टीफ है। हम लोग सब प्रो ट्रेकर हैं, स्लाइडर पहन के आए, तीनों स्लाइडर पहन के, एंड चढ़ाई ऐसा है। भाई 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 पानी है। एक्चुअली ये दो लेयर में है, लास्ट टाइम में ऊपर वाला नहीं देखा था। तो चल ना भाई, क्या है? कुछ भी नहीं है। चल बे, वाटरफॉल का साउंड तो आ रहा है से। वो तो नीचे वाला है, नीचे वाला में तो पानी है, देख लिया हमने, इधर से भी दिख रहा है। देख नहीं नहीं कुछ नहीं, गिरते गिरते बचा। तो फाइनली हम लोग टॉप पे, एकदम जो टॉप वाला वाटरफॉल है वहां तक पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए, एंड यहां पे पानी है। मैंने तरंग लाई। अरे बाप रे, बहुत कम पानी है। ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक्चुअली वाटरफॉल में पानी है ही नहीं। पिक सीजन में मतलब फुल फ्लो में पानी आता है, बहुत ऊपर से भी आता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली डिसअपॉइंट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। अच्छा खासा ट्रैक हो गया, लेकिन थोड़ा नीचे वाले भी जाएंगे, नीचे में थोड़ा देखेंगे वहाँ पे पानी है कि नहीं। नीचे वाले वाटरफॉल पे हम लोग जा रहे हैं, वो लोग घूम के गए, मैं थोड़ा ये शॉर्टकट ले रहा हूँ। शॉर्टकट ऐसा है, रिस्की है लेकिन शॉर्टकट है। धीरे धीरे जाएंगे, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे इतना तो पानी है कि मैं नहा सकता हूँ। ये जो वाटरफॉल है पूरा फुल फ्लो में ये पानी यहाँ पे आता था, मतलब आता है, नॉर्मली आता है सीजन के टाइम। मैं जाऊँगा वहाँ पे नहाऊंगा, तो मैं चला। वाटरफॉल में तो वैसा पानी नहीं था जैसा हम लोग सोच के आए थे, मतलब बिल्कुल पानी ही नहीं था। थोड़ा सा डाउट था क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते पहले
नकल गया था देवझर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था, अच्छा खासा पानी था, लोग वहाँ पे नहा सकते थे अगर कोई उस टाइम पे, हम लोग फेब में गए थे ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे नहाया, अच्छा लगा नहा के। इधर नहा के लोगों को मतलब अच्छा क्यों लगता है? क्यों? ये जो पानी है मतलब पूरा प्योर पानी। अभी जाएंगे कहीं पे अच्छी सी जगह में गाड़ी लगाएंगे, थोड़ा जहाँ पे अच्छा खासा छांव हो, और वहाँ पे बनाएंगे चिकन सॉसेज। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे एक पगमार्क है, एक फ्रेश पगमार्क है, जस्ट यहाँ से कोई एक जंगली जानवर पानी पी के इधर से गया है ऊपर। चलो इधर से निकलो भाई, निकलते हैं निकलते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली मेन रोड है एंड ब्रिज के नीचे आ गए, इधर से गाड़ी लेके पिछले फुटेज में देखे हुआ गाड़ी इसके अंदर लेके आ गए, तो पीसफुली हम लोग कुछ बना के खा पाए। एंड स्मिथ लेके आया है मिनी स्टोव, ये एक्चुअली यूज होता है जब भी आप कभी कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए जाते हो तभी इसको यूज करते हैं। एंड ये एक छोटा सा गैस, ये आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा इजीली, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में मिलता है। ओके घर से लेके आया था सॉसेज एंड स्मिथ के पास सब कुछ अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल, नमक, ओरेगानो, मिर्च, जो जो चाहिए सब है। खोल इसको, पैकेट खोल, बनाते हैं इजीली, तो पूरा एकदम 10 मिनट में बन जाएगा बॉय सॉसेज बनाकर। वाटरफॉल में मज़ा नहीं आया लेकिन यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोग पी नहीं है ना और कोई नहीं। अबे इतना जल्दी क्या है भाई, तू उसे गर्म तो होने देता भाई स्टैंड को। तो एकदम रेडी है, ऑमलेट बनाएंगे, तो ऑमलेट नहीं बन पाएगा, ये भुर्जी बनेगा। तो रहा आपका एक भुर्जी एंड सॉसेज। माइंड ब्लोइंग, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगा हमको ये सब बनाने के लिए। इजी टू मेक भुर्जी एंड सॉसेज, आप लोग तो देखे होंगे, डाले निकाले फटाफट खाते हैं निकलते हैं। बढ़िया लगा आज का ट्रिप, बढ़िया सा जगह में हम लोग रुक के थोड़ा यहाँ पे सॉसेज एंड ऑमलेट बना के खाए, ऑमलेट तो नहीं भुर्जी बना के खाए। ऐसे ही थोड़ा मोटा ट्रिप करना चाहिए, हालांकि वाटरफॉल में पानी नहीं था, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था, पता तो चला कि मतलब इस टाइम में पानी नहीं रहता है बोल के। यहाँ से अब डायरेक्ट निकल जाएंगे हम लोग भुवनेश्वर। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, राइट से राइट।